नमस्कार। कल शाम के 5 बजे से आज शाम के 5 बजे तक गुजरात में खास एक बहुत ही अच्छी एक सफलता रही है कि पिछले 7 दिनों में आज का जो मृत्यु अंक है सबसे कम रहा है। बहुत बड़ी सिद्धि है। आज देर हैव बीन 23 अनफॉर्चुनेट डेथ्स। आज 23 जितने दुखद अवसान हुए हैं कोविड को लेके, 8 ऐसे लोग कि जिनका प्राथमिक मृत्यु का कारण कोविड ही था और 15 ऐसे लोग जिनको पहले से अन्य गंभीर बीमारियां थी और उनको कोविड का भी संक्रमण होते हुए उनका दुखद अवसान हुआ है। पिछले आज शाम के 5 बजे तक के पिछले 24 घंटे में 394 पॉजिटिव केसेस आए हैं और आज बहुत ही बड़ी मात्रा में 219 जितने लोग डिस्चार्ज होकर घर वापस चले गए हैं। और अगर डिस्चार्ज और रिकवरी रेट का टकावारी प्रतिशत अगर हम देखें तो पिछले 15 दिन में इसमें 457% एक बढ़ोतरी हुई है, वधारा हुआ है, इतना बढ़ा है, ये भी बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से अगर हम आज जितने पेशेंट्स एक्टिव हैं, 5,210 ऐसे लोग हैं कि जो स्टेबल हैं, 24 ऐसे लोग हैं कि जो क्रिटिकल हैं, वेंटिलेटर पर हैं, और जैसे अभी कहा गया आज के 219 लोगों को भी गिनती में लेते हुए आज तक 2,091 लोग डिस्चार्ज होके, यानी कि ये लोग इतने ऐसे हमारे लोग थे कि जिनको कोविड पॉजिटिव टेस्ट हुआ था, जिनकी चिकित्सा हो रही थी, जिन्होंने इलाज भी ली और बिल्कुल सफलतापूर्वक कोविड में जीत से जीत के ये अभी बिल्कुल डिस्चार्ज होके वापस घर चले गए हैं, 2,091। तो ये 2,000 का मार्क भी आज हमने क्रॉस किया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से अभी तक के कुल जो टेस्ट हमारे हुए हैं 109,650 और पिछले 24 घंटे में 4,263 जितने टेस्ट हमारे हो गए हैं। आज और भी एक बहुत अच्छी बात है कि जैसे कल कहा गया था कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री की पूरी उनके इनिशिएटिव से, उनकी जो हमेशा चिंता होती है, आतुरता थे, वो कोविड की जो बात है इसमें कैसे और भी अच्छे रिजल्ट्स हमें मिले उसकी हमेशा चिंता करते हैं, उन्होंने खास हमारे यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह साहब से अनुरोध किया था कि हमें इंडिया के जो सबसे अच्छे डॉक्टर्स हैं उनकी टीम यहाँ भेजा जाए। और आज बिल्कुल ऐसी एक टीम कल शाम को आ गई थी जिसमें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, जो इंडिया के सबसे बड़े, सबसे जानीता पल्मोनोलॉजिस्ट की श्रेणी में आते हैं, वो और उनके साथ डॉक्टर मनीष सुरेजा दोनों आए थे और उन्होंने पूरा दिन आज सवेरे के 9 बजे से लेके शाम तक उन्होंने सभी डॉक्टर्स के साथ वहाँ सिविल हॉस्पिटल के कैंपस में जो कोविड फैसिलिटी है वहाँ की पूरी टीम्स उनके साथ पूरी डिटेल में डिस्कशंस किया, पूरा मुआयना किया रेजिडेंट्स के साथ, प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो वहाँ आते हैं, बाकी एक्सपर्ट्स, उन सब के साथ भी डिटेल में चर्चा की, वहाँ के जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन सब के साथ भी। और साथ ही शाम को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय रूपानी साहब की भी मुलाकात ली और हमारे माननीय डिप्यूटी CM साहब नितिन पटेल साहब की भी मुलाकात ली। और हमारी मीटिंग में जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी गण हैं उन सब से भी लगभग 1 घंटे तक सभी इश्यूज़ का बहुत डिटेल में चर्चा किया और उनके इनपुट्स के मुताबिक उन्होंने जो बिल्कुल डिटेल्ड इसकी अभ्यास की, स्टडी की, एक एक चीज़ का आज पूछताछ किया, उनका स्पष्ट ये ऑब्जर्वेशन रहा है कि हमारी सभी तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कंज्यूमेबल्स करें, वहाँ पे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन है, अंतरमालका की यह सवलत है, डॉक्टर्स वहाँ के जो तबीब हैं, निष्णात हैं, जिस तरह से ट्रीटमेंट दे रही है, दी जा रही है, प्रोटोकॉल है, जिस तरह से उसका अमलीकरण है, इस सब में उन्होंने पूरा संतोष व्यक्त किया। लेकिन दो चीज़ों का उन्होंने खास एक कहा जिसकी अनुरोध हम आप सबसे भी कहते हैं कि जो मृत्यु का प्रमाण ज़्यादा है उसमें उनका कहना है कि लोग बिल्कुल देर करके आते हैं, इसकी भी ये भी एक अहम वजह है कि हमारे मृत्यु के अंक बढ़ रहे हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि अगर किसी को भी बुखार हो, श्वास लेने में तकलीफ हो, तो तुरंत इसमें कोई विलंब करे बगैर आप डॉक्टर्स का संपर्क करें, क्योंकि आपने जैसे आज देखा अभी तक 2,091 जितने लोग
अच्छे होके ट्रीटमेंट समय से अगर आप आते हैं तो बिल्कुल अच्छे होके वापस जा सकते हैं। और उन्होंने ये भी खास इसकी भी एक जिक्र किया कि जो आते हैं देरी से, उसमें खास जो बड़ी उम्र के हैं, रिस्क फैक्टर वाले हैं, यानी कि 10 साल से कम और 60 साल से बड़ी उम्र के, और जिनमें और अन्य गंभीर बीमारियां पहले से होती हैं, इनकी वजह से, इनके देरी से भी आने की वजह से ऐसे मृत्यु के केसेस में बढ़ाई दिख रहा है कि बढ़ोतरी है उसमें। और इसमें उन्होंने सुझाव किया है अगर और लोगों से हम अपील करें और लोग ऐसे लक्षण आते ही कोई विलंब करे बगैर तुरंत डॉक्टर्स का संपर्क करें, हॉस्पिटल्स में आएं, तो फिर हम इस संख्या को भी और बिल्कुल घटा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आज एक और अहम की एक महत्व की बात है, को एक नई डिस्चार्ज पॉलिसी भारत सरकार ने घोषित किया है कल शाम को गाइडलाइंस में। तो इसमें खास मुद्दे की बात यह है कि जो हमारे वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमैटिक, यानी कि बिल्कुल जिनको बहुत ही कम बुखार है या बिल्कुल लक्षण भी नहीं है, या मॉडरेट यानी कि मध्यम जिन लोगों में बुखार है, लक्षण है, इन सभी के लिए अगर इसके जो शर्त हैं, जैसे 10 दिन तक कोई भी सिम्टम के शुरू होने के बाद अगर इनमें कोई बुखार नहीं है, कोई और लक्षण नहीं है, और इसी तरह से अगर 3 दिन में इनका बुखार रिजॉल्व हो गया यानी कि चला गया, और जो ऑक्सीजन की जो उनके अंदर पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि होनी चाहिए, कोई एक्सटर्नल बाह्य कोई टीका के बगैर अगर उनको ऑक्सीजन खुद कुदरती तौर से मिल रहा है, और अगर उनको ये चीज़ों में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 10 दिन के बाद इनको RT-PCR टेस्ट करे बगैर, यानी कि फिर से हम पहले ऐसे कई अनेक केसेस देखते थे कि बार बार हमें टेस्ट करना पड़ता था, पेशेंट बिल्कुल ठीक होते थे, इनको कोई बुखार नहीं होता था, कोई लक्षण नहीं होते थे, फिर भी हमें बार बार टेस्ट, क्योंकि 2 बार उत्तरोत्तर अगर टेस्ट नेगेटिव आए RT-PCR तभी हम उन्हें डिस्चार्ज कर सकते थे। लेकिन अभी जो नई गाइडलाइंस आई हैं, इसमें काफ़ी तज्ज्ञों ने इसमें अनुसंधान भी करके जो रिजल्ट्स दिए उसके बेसिस पर ICMR ने ये नई पॉलिसी बनाई है। तो 10 दिन के बाद अगर ये कंडीशंस शर्तों का अनुपालन होता है तो ज़रूर उनको टेस्ट करे बगैर भी डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो मात्र सीवियर केसेस हैं, उसमें भी जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड यानी कि HIV के पेशेंट्स हैं, जिनको कोई ट्रांसप्लांट यानी कि आप किसी ऑर्गन का रोपण किया हो, या जो रेसिपियंट्स हैं ट्रांसप्लांट के, या कोई कैंसर के, ऐसे जो सीवियर और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हमारे पेशेंट्स हैं, उन्हीं के लिए ये RT-PCR टेस्ट और सीवियर केसेस में ये करने की ज़रूरत है। बाकी सब माइल्ड, वेरी माइल्ड, प्री सिम्टोमैटिक एंड मॉडरेट, इन सभी कैटेगरीज़ के लिए अगर ये सब शर्तें जो आज बताई जाई गई हैं, प्रेस नोट में भी आप देखेंगे, उनको RT-PCR टेस्ट 2 बार उत्तरोत्तर करने की ज़रूरत नहीं रहती है। आज एक खास एक आयुष की हमारी एक साफल्य गाथा हम आप सबसे शेयर करना चाहेंगे कि हमारे यहाँ जो कोविड केयर सेंटर में जो पॉजिटिव कोविड के पेशेंट्स हैं, ऐसे कुल 985 पेशेंट्स को हम ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो है, और ये ट्रीटमेंट में क्या है, जो आयुष मंत्रालय के साथ एक रिसर्च प्रोजेक्ट में हम लोगों ने गुजरात में पहल किया है, उसमें शमशमवटी की 2 गोली देनी पड़ती है दिन में 2 बार 7 दिनों के लिए, दशमूल कवात, पथ्यादि कवात 40 ml, त्रिकूट चूर्ण 2 ग्राम, आयुष 64 एक गोली दिन में 2 बार, और यष्टि मधु घनवटी 1 गोली हर 2 घंटे दिन में 6 बार लेना पड़ता है और इसे चूसना पड़ता है। तो ये हमने अपने अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में इसकी एक प्रयोग और इसका एक ट्रायल शुरू किया था। आज हमें बहुत आनंद होता है कहते हुए कि 213 लोग जिन्होंने ये लिया, उनकी जब टेस्ट डिस्चार्ज करने के लिए की गई थी तो ये बिल्कुल ये सब इनका टेस्ट नेगेटिव रहा, पहले पॉजिटिव था, इन्होंने ये चिकित्सा ली आयुष पद्धति से और ये डिस्चार्ज हो गए हैं। 11 ऐसे लोग हैं जिनका भी टेस्ट किया था बकायदा, लेकिन इन्होंने ये जो पूरा कोर्स है, पूरे 7 दिन का कोर्स पूरा नहीं किया था और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, इस वजह से उनको और भी थोड़ी ट्रीटमेंट के लिए इनको अभी विथहोल्ड किया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, और इस नोट पर हम आज पूरा
फिर से आप सबसे अनुरोध करेंगे कि अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप आप डाउनलोड करें और सुरक्षित रहिए, खुश रहिए, घबराइए नहीं। नमस्कार।